कंपनी जो आज थोड़े से रिपोर्ट्स आए हैं कि सेल में शायद गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 108-110 का जो लेवल है वो काफी बॉटम आउट हो चुका है। हालांकि स्टील में अभी थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट्स चाइना से आ रही है, बट मुझे लग रहा है जिस प्रकार का एडवांस टैक्स टाटा स्टील ने भरा है, हमको लग रहा है सेल भी पीछे नहीं होगा और शॉर्ट टर्म में इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। Q2 के नतीजे भी अच्छे आएंगे और ऑब्वियसली कॉमेंट्री अगर मैनेजमेंट से आती है तो इसमें और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे 125-130 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट बन सकता है, तो ये दोनों विकल्प ऐसे बाजार में आपको खरीदने चाहिए। ओके।